Hello everyone, welcome to Icon Careers YouTube channel. I am Mudit Jain and today I have brought you a very exciting video of one word substitute. In every exam, every competitive exam, every bank exam, one word substitute ke questions 100% puche jaate hain. Kam se kam bhi 5 questions rahenge. Aur ye aapki vocabulary ko test karne ka ek bahut hi achha parameter hai. So without any further ado, let's start one word substitute. First question on your screen. Stealthily done. अब सर हम लोगों को ऑप्शंस पता चले उससे पहले हमें क्वेश्चन तो पता चलना चाहिए. What does the meaning of stealthily done? Stealthily done. Steal का मतलब क्या होता है? चलो ये बता दो मुझे. चुराना. Exactly. Steal का मतलब चुराना. चुपके से चोरी चुपके कोई काम करना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Stealthily done. अब ऑप्शंस भी बहुत शानदार दे रखे हैं हमें. Devious, nefarious, surreptitious and villainous. Villainous तो समझ में आ जाता है हमें, जो villain की तरह है. Devious भी आ जाना चाहिए, जो devil की तरह है. So basically devil and villain are the same. And nefarious भी same है. Nefarious भी devious और villainous का लगभग synonym है, उसी का पर्यायवाची है. इसका मतलब भी यही होता है, something which is very bad, very evil, very egregious. एक और बात अच्छा word आता है, egregious. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा अगर हम सबको एलिमिनेट कर देंगे तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सरप्टिशियस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, तो देखते हैं सबके मतलब क्विकली हम लोग. सरप्टिशियस स्टेल्थली डन, सीक्रेटली डन, चोरी छुपके कोई काम करना. डिवियस बिहेविंग इन अ वेरी डिसऑनेस्ट वे, डेविल जो है डिसऑनेस्ट होता है. नेफेरियस इज क्रिमिनल, ईविल, आई हैव टोल्ड यू. एंड विलेनियस इज वेरी इविल एंड अनप्लेजेंट. तो लगभग सारे सेम है. Words written on a tomb. ये tomb नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसको tomb बोलते हैं. बी साइलेंट रहेगा, tomb बोलेंगे. वैसे एक और वर्ड आता है हमारे यहां पर, womb नहीं होगा, क्या होगा? womb. बी विल बी साइलेंट एंड द प्रोनंसिएशन विल बी womb. तो क्या होता है womb? मदर, गर्भ, राइट, लाइक कोक बोल सकते हैं. सो वर्ड्स रिटन ऑन टूम, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव. यूजुअली अ नेगेटिव एडजेक्टिव इज कॉल्ड एपिथेट. एपिटाफ इज द करेक्ट आंसर. एपी का मतलब क्या होता है पता आपको? एपी, एपिडर्मल सुना है आप लोगों ने. एपी का मतलब होता है उसके चारों तरफ, उसको सराउंड करके. तो एपिटाफ मतलब वही कि टूम के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, टूम के ऊपर कुछ बना हुआ है. तो बहुत सारी बार आपने देखा होगा जो एक टूम स्टोन होता है इस तरह का, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये 1980 से लेके कब तक ये जिंदा रहा, लविंग फादर सन और वगैरह वगैरह. तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट? एपिटाफ. चलिए देखते हैं फटाफट से हम लोग. एपिटाफ इज द करेक्ट आंसर. वर्ड्स रिटन ऑन टूम. Epithet is defamatory, offensive, abusive words or phrases. Negative adjective. किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को बड़ा बुरा कह रहे हैं, those are called epithets. So defamatory का मतलब क्या होता है? किसी की इमेज को खराब करने के लिए, डिफेम करने के लिए. So those slanders, those abuses you can say is called epithet. Epigraph and engraved inscription. So epitaph and epigraph are लगभग same. किसी दीवार पे कुछ खोदा हुआ है, लिखा हुआ है, किसी पिलर पे है, किसी बर्तन पे है, तो वो क्या हो जाएगा? एपिग्राफ. और उसी को अगर हमने टूम पे कर दिया, उस पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एपिटाफ. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमें पता रखना चाहिए. सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी में क्या कीवर्ड्स है, रूट वर्ड्स है समझते हैं. सोलो, सोलो का मतलब क्या होता है? अकेले. वन, एवरीवन इज सोलो हियर or not? Very sad. Locor, locor का मतलब होता है to speak. तभी इसी से एक और word बनता है loquacious. Loquacious का मतलब क्या होता है? Talkative. जो बहुत बातूनी होता है उसको हम बोलते हैं loquacious. So soliloquy, a dramatic speech or monologue. प्यार का पंचनामा हम सबने देखी है. कार्तिक आर्यन का बहुत ही इन्फेमस स्पीच आता है उसमें, वो 5-7 मिनट तक बोले जाता है, वो रैंट करता रहता है. दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी.
ये ड्रामा में बहुत फेमस टर्म है, क्योंकि ड्रामा में कभी कभी कैरेक्टर को अपने अंदर के इंटेंशंस बताने के लिए वो दूसरे से तो बात करेगा नहीं, तो वो खुद से बात करेगा। दैट बिग मोनोलॉग इज कॉल्ड सॉलिलॉक्वी। और मोनोलॉग में भी यही कीवर्ड्स हैं। मोनो का मतलब हमें पता है क्या, सिंगल। लॉग का मतलब होता है वर्ड्स, तो एक ही पर्सन जो वर्ड्स को बोले जा रहा है, दैट इज मोनोलॉग। आ गया समझ में? सॉलिलॉक्वी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, ये तो आना चाहिए। चलो बताओ, किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है काम करते हुए, उसको क्या बोलेंगे? एम्बिडेक्स्ट्रस तो वो होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है। हमारा वीरू सहस्र बुद्धि, वायरस फ्रॉम थ्री इडियट्स इज एम्बिडेक्स्ट्रस। ओ आंसर आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एम्बिडेक्स्ट्रस इज अ पर्सन हु इज एबल टू राइट फ्रॉम द बोथ हैंड्स। ये एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ। वैसे डेक्स्टर का मतलब होता है, समझते हैं हम, डेक्स्टर, डेक्स्टर जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है राइट हैंड। और अगर डेक्स्टर को हम इंग्लिश में मान के चले तो डेक्स्टर का मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्किलफुल, जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, उसको बोलेंगे डेक्स्टर। आ रहा है समझ में आपको? डेक्स्टर। तो एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है, उसके दोनों हाथ राइट हैंड के बराबर हैं, दैट इज एम्बिडेक्स्ट्रस। सीजन्ड, अगेन सीजन्ड का मतलब होता है समवन हु इज अ वेरी एक्सपर्ट एट समथिंग, प्रोफेशनल एट समथिंग, इज योर सीजन्ड। लाइक ही इज अ सीजन्ड शेफ, मतलब उसकी कुकिंग स्किल्स काफी अच्छी है, उसने बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स में काम किया हुआ है। सो इज अ सीजन शेफ। जीनियस का मतलब हम समझते हैं, राइट? तो हम बनना चाहते हैं, सो दैट इज योर जीनियस। तो आंसर क्या रहा हमारा? अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटरन। और ये आपने सुना भी होगा, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, अनुपम खेर इज अ वेटरन एक्टर, और बहुत सारे ऐसे आर्मी के ऑफिसर्स, जनरल्स, कैप्टन्स जो कि काफी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, वेटरन हो जाएगा। डन। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज वेटरन। अ पर्सन इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट, ओके। अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो माहिर है, एंड अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। चलिए नेक्स्ट। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प, ये तो हमारा जो क्लासिक बॉलीवुड का स्टाइल है, लास्ट में हीरो कॉमा में चला गया है, या तो हीरोइन या हीरो की माँ। द मदर ऑफ द हीरो, द प्रोटैगनिस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड विद दैट पूजा का थाल, और वो भगवान को दुहाई दे रही है कि जिंदगी भर मैंने आपकी पूजा की, आई हैव वर्शिप्ड यू एंड नाउ यू आर डूइंग दिस टू मी, दैट इज कॉल्ड वॉट? तुम लोग टाइम से क्यों नहीं आते हो यार? ऑल राइट, क्या होगा? इनवोकेशन। इनवोकेशन इज करेक्ट। इनवोकेशन में वर्ब होता है इनवोक, इनवोक, और यहीं से एक और वर्ड आ जाएगा वोक। वोक का मतलब क्या होता है? जगाना, किसी भी चीज को जगाना। तो भगवान को जगाना, भगवान को जागृत करना इज कॉल्ड इनवोकेशन, इनवोकेशन। चलिए बाकी सारे वर्ड्स के मतलब हमारे वैसे भी दे रखे हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ठीक है। इन्वोल्यूशन द एक्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग समथिंग, वैसे एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, टू हग समवन। यहां पर एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई तुमने जो किया वो सही किया, तुमने जो किया वो गलत किया, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, आई एक्सेप्ट यू फॉर वॉट यू आर, दैट इज इन्वोल्यूशन। वॉट इज एवोल्यूशन? चेंज, बट वॉट काइंड ऑफ चेंज? अ प्रोग्रेसिव चेंज, हम किसी भी चीज में अपने आप को बेटर वर्जन बना रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन, राइट? इनंडेशन, ये बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट्स कॉल्ड इनंडेशन। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑन टू अ नॉर्मली
ड्राई लैंड, इसका एक अच्छा सिनोनिम आता है फ्लड का, डिल्यूज, बहुत भारी बाढ़ आ जाना, इज कॉल्ड डिल्यूज। बहुत सारे रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी का नाश होगा, व्हेन द अर्थ विल कम टू एन एंड, तो सबसे भारी क्या आएगा, सबसे पहले क्या ऊपर उठेगा, पानी, और उसी को क्या बोलते हैं, डिल्यूज, डिल्यूज। चलिए नेक्स्ट, रिवोकेशन द एक्ट ऑफ कैंसलिंग अ लॉ। आपने अकाउंटिंग टर्म में भी पढ़ा होगा रिवोकिंग ऑफ शेयर्स, पढ़ा है, शेयर्स को कैंसिल कर देना, दैट इज द सेम थिंग। ऑलराइट, सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग्स इन जर्नल्स। अभी इन चारों में से आपने लगभग तीन वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, और उन तीन वर्ड्स को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ इमेजिनरी का मतलब क्या है? फिक्शनल, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, विच इज नॉट रियलिस्टिक, तो क्या इसका सिनोनिम बन रहा है क्या? नहीं। स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेशन करना, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेक्युलेशन चलता है, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कि ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है, अजम्पशंस करना, इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव। एंड व्हाट इज सरकास्टिक? सरकास्टिक टॉन्ट में बात करना, लाइक हम लोग सुबह 10 बजे उठ के आ रहे हैं और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आज इतना जल्दी कैसे उठ गए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, ओहो नवाब साहब जल्दी उठ के आ गए, दैट सॉर्ट ऑफ टॉन्टिंग थिंग इज कॉल्ड सरकैज़म। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेलिस, करेलिस इज द आंसर। इसका मतलब होता है अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। ऑलराइट, लेट्स सी, सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, इमेजिनरी एग्जिस्टिंग ओनली इन योर माइंड, ये हमें पता है, स्पेक्युलेटिव बेस्ड ऑन गेसिंग, ऑन ओपिनियंस दैट हैव बीन फॉर्म विदाउट नॉलेज नोइंग ऑल द फैक्ट्स। वही शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं, यही करते हैं। अब ये तो लिटरली एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्म है, स्पेक्युलेशन। एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेसिव ऑफ रिडिक्यूल दैट हर्ट्स, वही किसी को मॉक करना, किसी को इस तरह से जोक करना कि सामने वाले को हर्ट हो, सामने वाले को पीड़ा हो, दैट इज सरकैज़म। ऑलराइट, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिटेंट फोर्सेस, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। आपको अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन आता होगा तो भी आ जाएगा आंसर। एक है फैशिस्ट, पेसिफिस्ट, नार्सिसिस्ट, फेटलिस्ट। चलिए फेटलिस्ट नहीं होगा, फेटलिस्ट का मतलब होता है जो फेट पे बिलीव करें। व्हाट डू मीन बाय फेट? किस्मत, वेरी गुड, योर डेस्टिनी, योर फॉर्च्यून, आपका भाग्य जो होता है उसको बोलते हैं फेट। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड फेटलिस्ट। व्हाट इज नार्सिसिस्ट? हाँ ये तो बहुत पॉपुलर टर्म है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। एग्जैक्टली, अ पर्सन, देखो मैंने पहले भी बता रखा आपको, एक होता है लव और एक होता है ऑब्सेशन। विच वन इज हेल्दी? लव इज हेल्दी, ऑब्सेशन इज अनहेल्दी। तो इस नार्सिसिस्ट को सेल्फ लव नहीं है, इसको सेल्फ ऑब्सेशन है। सेल्फ लव तो हम प्रमोट करते हैं कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, हमारी अच्छाई बुराई सबको स्वीकार करना चाहिए, बट दिस पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। इसकी काफी अच्छी स्टोरी है, लेट मी टेल यू। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड नार्सिसस इन ग्रीस। ग्रीस में एक पर्सन था नार्सिसस, एंड ही वाज अ वेरी हैंडसम फेलो, वेरी ब्यूटिफुल, क्वाइट डिवाइन फेलो, और उसको अपने आप को देखने में बड़ा मजा आता था, वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड ही वॉज। एक दिन क्या हुआ, वो पानी के पास में गया, रिवर बॉडी के पास में गया, और वहाँ पर उसने पानी में अपनी परछाई देखी, और वहीं पे वो मेस्मराइज्ड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, अपने ऊपर वो फिदा हो गया। ही वॉज सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम कि वो देखता गया, देखता गया, देखता गया, एंड अल्टीमेटली ही फेल इन टू दैट पॉन्ड एंड ही डाइड ओवर देयर। और वहाँ से एक फूल निकल के आया बाहर, फ्लावर ओरिजिनेटेड, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और उसको आज भी नार्सिसस के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, नार्सिसस इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। तो नार्सिसिस्ट वहाँ से बना है। चलिए पैसिफिक का मतलब क्या होता है? हमारा पैसिफिक ओशन आता है, उसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? पैसिफिक ओशन का हिंदी अनुवाद प्रशांत महासागर, राइट? प्रशांत, तो पैसिफिक का मतलब होता है जो शांति की बात करता है, जिसको विध्वंस, डिस्ट्रक्शन पसंद नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक। फैशिस्ट क्या होता है? फैशिस्ट
ये फैशिस्ट तो बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल टर्म है, हिटलर वॉज अ फैशिस्ट। फैशिस्ट मतलब मेरा धर्रा चलेगा, मेरा रूल चलेगा, वट एवर रूल्स एंड नॉर्म्स आई हैव एस्टैब्लिश दैट आर गोइंग टू प्रिवेल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट सॉर्ट ऑफ एडमेंट नेचर, जिद्दी स्वभाव कि मैं सही हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड फैशिस्ट। ऑल राइट, तो इसका आंसर है पैसिफिस्ट। देखते हैं फटाफट से, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर, जो शांति की बात करता है, पैसिफिस्ट। तो एग्जांपल दे सकते हो, एनी पैसिफिस्ट लीडर इन आर कंट्री? महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस की बात करने वाला, अहिंसा का पुजारी, राइट? अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एटीट्यूड विच इज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच डज नॉट अलाउ एनी अपोजिशन। अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने वाला इज अ फैशिस्ट पर्सन। अ पर्सन हु हैज अ हैबिट ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ टू मच, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ब्लोइंग योर ओन हॉर्न, इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। फेटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव इन फेट। ऑल राइट, दिस वॉज सिंपल। आगे बढ़ते हैं, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो समझो और आंसर दो। वन हु इज नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। इमॉर्टल क्या होता है? जो कभी मर नहीं सकता। वेरी गुड। इमॉर्टल का मतलब होता है पर्सन हु कैन नेवर डाई और अ थिंग विच कैन नेवर डाई। इसका परपेचुअल हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, इटर्नल हो सकता है। काफी अच्छा वर्ड है, इटर्नल। चलिए अब देखते हैं, इमॉरल और ए मॉरल। मॉरल तो होगा नहीं, क्योंकि मॉरल तो कंसर्न्ड है राइट और रॉन्ग से, उसको राइट का साथ देना है, अ मॉरल पर्सन। ए मॉरल और इमॉरल, यहीं से मुझे एक और चीज आती याद आती है। एक होता है असोशल और एक होता है एंटी सोशल। एंटी सोशल और असोशल में क्या डिफरेंस रहेगा? अच्छा, सोशल कौन होता है? जिसको बाहर निकलना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, सोशल इवेंट्स में जाना पसंद है, फ्रेंड्स बनाना पसंद है। अब इन दोनों में से असोशल घर पे बैठेगा या एंटी सोशल घर पे बैठेगा? असोशल। असोशल इज अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड, यूजुअली जो इंट्रोवर्टेड पर्सन होते हैं, जो अपने तक सीमित हैं, जिसको सोसाइटी में पार्ट नहीं लेना है, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक पार्ट इन एनी इवेंट ऑफ सोसाइटी, इज असोशल पर्सन। एंटी सोशल पर्सन सोसाइटी में पार्ट लेगा और जाके उनके नॉर्म्स को, उनके मैनर्स को, एटिकेट्स को क्रिटिसाइज करेगा। अभी जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं, तो ये ट्रैक्स तोड़ देते हैं, बसेस जला देते हैं, पब्लिक प्लेसेस में वैंडलिज्म होने लग जाता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो ये लोग ए सोशल पीपल हैं या एंटी सोशल पीपल हैं? एंटी सोशल। सो दे आर देयर इन द सोसाइटी, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द सोसाइटी, बट दे आर गोइंग टोटली अगेंस्ट। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताओ, इमोरल या अमोरल? तो इमोरल पर्सन को रॉन्ग से लेना देना है, लाइक आप समझो ना, मॉरल पर्सन को राइट से लेना देना है, इमोरल पर्सन को रॉन्ग से लेना देना है, और जिसको दोनों से ही मतलब नहीं है वो क्या हो जाएगा? अमोरल। तो असोशल पर्सन को सोसाइटी से मतलब ही नहीं है, ही डज नॉट केयर सोसाइटी में अच्छा हो या बुरा हो, ही इज गोइंग टू कीप इट टू हिमसेल्फ ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मॉरल। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल वैल्यूज रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। ठीक है, कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, नॉट कंसिडर टू बी गुड और ऑनेस्ट, एंड दैट लिव्स और लास्ट फॉर एवर। आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे, फ्लैट मेटल और पोर्सिलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और अ मेमोरियल। ये अगर आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर को भी फॉलो करोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। आपको पता है यूट्यूब जो है हर एक माइलस्टोन पे एक प्लेट टाइप का कुछ भेजता है, उस पर यूट्यूब का साइन बना हुआ रहता है कि अगर आपके 100,000 फॉलोवर्स हो गए, 100K फॉलोवर्स हो गए, 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, या आपके चैनल का व्यू 1 बिलियन से ऊपर हो गया, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो एक प्लेट जैसा कुछ भेजता है, उस प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग पता है? प्लैक। कौन? प्लैक। डी आंसर, प्लैक इज करेक्ट। टैबलॉइड क्या होता है? टैबलॉइड, आप लोग न्यूज पढ़ते हो, टैबलॉइड पढ़ते हो। चलिए देखते हैं, तो प्लैक इज अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन मेटल विद अ नेम एंड अ डेट ऑन अटैच टू अ वॉल इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट। क्लियर है? दैट इज प्लैक। अ न्यूज पेपर विथ स्मॉल पेजेस इज टैबलॉइड। वो राजस्थान पत्रिका आता है,
उसमें वेंसडे को शायद एक परिवार करके आता है, द स्मॉल पेपर इज कॉल्ड टैबलॉइड, छोटा सा टैबलॉइड। पोस्टर आपको पता ही है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड बोर्ड भी आपको पता है, वी आर लिटरली लाइक, ये तो चलो बोर्ड नहीं बोल सकते एक बार के लिए, बट ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। चलो बताओ। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। वर्ड पावर मेड इजी पढ़ा है आप लोगों ने? वर्ड पावर मेड इजी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, चलो अभी हम लोग समझते हैं फटाफट से। एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मैं जो आपको ये डाइसेक्ट करके बताता हूँ ना, अभी जैसे हमारा वो एग्जाम्पल आया था सोलिलॉक्वी वाला, तो मैंने बताया सोलो मतलब वन एंड लोकोर मतलब टू स्पीक। तो ये जो आप डाइसेक्ट करके उसको कट पीट करके जो मैं आपको रूट वर्ड समझाता हूँ, उसी थिंग को एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा जो वर्ड पावर मेड इजी वाला जो बुक है ना, वो पूरा एटिमोलॉजी पे ही बेस्ड है। सारे रूल्स, सारे रूट वर्ड्स हमें याद होते हैं। लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर होना चाहिए। दिस इज कंसर्न विद लैंग्वेज, एटिमोलॉजी इज कंसर्न विद वर्ड्स। एटिमोलॉजी में रूट वर्ड्स में जा जाके उसको एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। वर्बोज यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन दैट आर नीडेड। ये आपको थोड़े दिन पहले बताया था शायद मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वर्बोज मतलब ऐसा पर्सन जहां 10 वर्ड से काम हो जाए वहां वो 50 वर्ड यूज करता है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसको स्टोरी बताना नहीं आता है, एक स्टोरी स्टार्ट करने जाता है, वो डाइवर्ट होके दूसरी तीसरी चौथी स्टोरी बताने लग जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड वर्बोज। एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टोरीज एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल। जो एंथोलॉजी जब जो मैंने फर्स्ट एंथोलॉजी पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ इट, बट उसमें ऐसा था कि जैसे बर्थ, लाइफ और डेथ, इन तीनों के बारे में पोएम्स का एक कलेक्शन था। तो बर्थ, लाइफ एंड डेथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये जो इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं इनको बोलते हैं एंथोलॉजी। अच्छा, किसी ने शिवा ट्रिलॉजी के बारे में सुना है? अमिश त्रिपाठी का शिवा ट्रिलॉजी है। उन्होंने भगवान शिव को एज अ ह्यूमन बीइंग बता के एक पूरा फिक्शनल स्टोरी क्रिएट किया है। उसकी 3 बुक्स हैं, दैट बुक इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंथोलॉजी। और उनका अभी लेटेस्ट में रामा ट्रिलॉजी चल रहा है, उसमें राम, सीता और रावण के बारे में 3 अलग अलग बुक्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो दे आर वेरी वेरी गुड बुक्स एक्चुअली। तो राम ट्रिलॉजी में तीनों आ गए ना, राम, सीता एंड रावण। यस, अभी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। द सायन ऑफ इश्वाकु, द वॉरियर ऑफ मिथिला, और रावण का मुझे याद नहीं है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। चलिए ये देखते हैं, ये आपके कंपाइलर में भी है और मैंने आपको पहले बता भी रखा है, मुझे अच्छे से याद है जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एनिमल्स वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े थे। फन एम्बुलेंस इज द आंसर। अब मैं समझा देता हूँ, इसकी जगह एक और चीज बोल सकते हैं, इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट, इक्वल का मतलब हो गया इक्वल, बराबर, राइट। लिब्रा, कोई है लिब्रा का यहां पर? किसी का जोडियाक साइन है लिब्रा? लिब्रा पता है आपको क्या होता है? तुला राशि। तो लिब्रा तुला राशि में क्या होता है? वो बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो लिब्रा का मतलब हो जाएगा बैलेंस। तो जो इक्वल बैलेंस बना के चल रहा है, आपने देखा होगा एक रोप वॉकर होता है, वो दो जगह दो पुल पे इस तरह से रोप को टाई कर देगा और इस पे चलने की कोशिश करेगा, तो उसको बैलेंस बना के चलना होता है। ही कांट गेट मिस बैलेंस, ही फॉल, ही डाई। सो वहीं से एक और वर्ड बोलते हैं, फन एम्बुलेंस। फन का मतलब फन, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन। एम्बुलिस्ट, एम्बुलेट का मतलब होता है वॉक करना, चलना। वहीं से एक और वर्ड आता है एम्बुलेटर, चलाने वाला ऐसा इक्विपमेंट, एम्ब्यूलेंस, जो बहुत तेज चलती है, जो बिना रुके चलती है, दैट इज एम्ब्यूलेंस। ये एम्ब्यूलेट का मतलब यही होता है, चलना, टू वॉक, टू स्ट्रोल। चलिए देखते हैं हम लोग, ये ऑप्शन इज करेक्ट। फन एम्ब्यूलिस्ट, अ पर्सन हु परफॉर्म्स ऑन अ टाइट रोप और अ स्लैक रोप। देखा है कभी आप लोगों ने? ये तो आजाद चौक में भी कभी कभी लगाते हैं ये वाला शो। Upholsterer is the person whose job is to upholster. Usually जो सोफा मटीरियल्स बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, उनको बोलते हैं अपहोल्स्ट्री। सुना होगा आप लोगों ने सोफा शॉप्स पे जाके। Acrobat is an entertainer who performs difficult acts such as balancing on high ropes. ये usually सर्कस में होते हैं ना,
जो वो ऊपर रिंग्स पे परफॉर्म करते हैं, एक रिंग से दूसरे रिंग, दोज पीपल आर कॉल्ड एक्रोबैट्स। एविएटर का मतलब होता है पर्सन हु फ्लाइज ऑन एयरक्राफ्ट। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी भी है द एविएटर, और उसमें वो पायलट बना है एविएटर। टू कट समथिंग इन टू पीसेस, सिवियर, सीवियर, सुअर एंड सो, इनका प्रोनंसिएशन कुछ इस तरह से है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सिवियर का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल, बहुत गंभीर, समथिंग विच हैज अ ग्रेट ग्रेविटी इज कॉल्ड सिवियर। एक्सट्रीम बोल सकते हैं, स्टार्क बोल सकते हैं। तो सिवियर का मतलब क्या हो जाएगा? काटना, दोनों को अलग कर देना। सेवरेंस पैकेजेस देते हैं बहुत सारे लोग कंपनी में। सेवरेंस पैकेजेस का मतलब ये होता है कि हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं, आपको कंपनी से टाइम कट कर रहे हैं, तो आप इतना पैसा हमारी तरफ से रखो, दैट इज कॉल्ड सेवरेंस पैकेजेस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला, सेवर। तो सिवियर एक्सट्रीम, सिवर काट देना, सीवर बताइए हमें। सो का मतलब क्या होता है? एस ओ डब्ल्यू, सो। बीज बोने को क्या बोलते हैं हम लोग? सोइंग द सीड्स। एक एस ओ डब्ल्यू सो का मतलब ये भी होता है, फीमेल पिग जो होती है, अ प्रेग्नेंट फीमेल पिग इज कॉल्ड अ सो। सिलने को भी बोलते हैं ना, सीव, सो इज अ वी टू, वी टू ऑफ सीव। To cut something in two pieces, severe is extremely bad or serious, sewer, underground pipe, ठीक है, this is very easy. Or sow, to introduce or spread feelings or ideas that cause trouble, to plant or spread seeds in on the ground, ठीक है. Succession of rulers belonging to one family, मोदी जी बहुत use करते हैं ये वाला word तो. Extremely popular in Narendra Modi's vocabulary. Dynasty ना? राहुल गांधी का रूल कौन सा है? डायनेस्टी रूल है। कांग्रेस का रूल कौन सा है? वंशवाद जो बोलते हैं ना, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी रूल। आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, उसमें भी तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती थी ना, लोधी डायनेस्टी आती थी, तुगलक डायनेस्टी, दैट सॉर्ट ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया डायनेस्टी। फिर कौन सा था? लाइनेज, द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम। आपने वो फैमिली ट्री देखा है कि ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के इतने बच्चे हुए, फिर उनके, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड लाइनेज। एंसेस्ट्री, द फैमिली और द रेस ऑफ द पीपल दैट यू कम फ्रॉम, आपके पूर्वज, एंसेस्टर्स, प्रेडिसेसर्स, फोर फादर्स जो हैं वो। और प्रोजेनी, आपके पीछे आने वाले, आपके सक्सेसर्स। तो एंसेस्ट्री इज पहले वाला, प्रोजेनी इज बाद वाला। सक्सेसर्स को बोल सकते हैं प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग सुना होगा आप लोगों ने, साइंस का टर्म है, ऑफस्प्रिंग आर द चिल्ड्रन। ऑलराइट, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग और समथिंग, ये तो बहुत इजी है, एडिक्ट, एग्जैक्टली, एडिक्शन हमें पता है। एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट, मैंने अभी जस्ट यूज भी किया था एडमेंट, फैशिस्ट के लिए यूज किया था, कि जो बहुत एडमेंट है कि मैं सही हूं बाकी गलत है। Stubborn, very good. Adamant is a stubborn person. A person who is unable to stop thinking, taking harmful drugs is addict. आजकल तो mobile addicts होते हैं, video game addicts होते हैं. Adamant, determined not to change your mind. Like अपना मैंने जो ठान लिया है, तो इसके कुछ synonyms हो सकते हैं ये, stubborn, firm, obstinate, obdurate. These are some synonyms for adamant. अब ये चला जाएगा, मैं सेलेक्ट करती पहले तो, ठीक है। Edict, इसको edict नहीं बोलेंगे, edict बोलेंगे, C will be silent. Edict क्या होता है? An official order or statement given by somebody in authority. Usually किसी ने किसी authoritative person ने, बड़े person ने कोई फरमान जारी किया है, उसको बोलते हैं edict. Usually legal term है, जो कोर्ट में जजेस जारी करते हैं उसको बोल सकते हैं ईडाइट। डेरेलिक्ट, अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और अ प्रॉपर्टी, जो हमारे समाज पर बोझ है यूजुअली, जिसको उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट। समझ में आ गया? फियर ऑफ हैविंग बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल एरिया, सुना होगा बहुत सारे लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि अंदर घुटन हो जाएगी,
क्या बोलते हैं उसको? क्लॉस्ट्रोफोबिया. वेरी गुड, एग्जैक्टली क्लॉस्ट्रोफोबिया. हाँ, धूप वाला नहीं, ज़ेनोफोबिया इज लाइक किसी पर्टिकुलर फॉरेन फॉरेन पर्सन से डर लगना कि ये यहाँ पे आके हमारी जॉब खा जाएंगे, ये लोग हमें रूल करने आए हैं. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड ज़ेनोफोबिया. पैरानोया क्या होता है? व्हाट इज पैरानोया? पैरानोया किसी को है ऐसा कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, लॉक लगा दे तो 10 बार उसको खींच खींच के चेक करना कि भाई लॉक लगा है नहीं लगा, लॉक लगा नहीं लगा. बहुतों का ऐसा होता है कि दे कैन नॉट कीप देयर वॉल्यूम्स ऑन द टीवी ऑन ऑड नंबर्स. हाँ, पैरानोया इज सॉर्ट ऑफ अ नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर, तो बहुत बढ़ जाता है, पागलपन तक आ जाता है. दैट इज कॉल्ड पैरानोया, क्रेजीनेस यू कैन से समवॉट इज पैरानोया. एक्सट्रीम फियर ऑफ बींग इन कन्फाइंड प्लेसेज. और इसका उल्टा हो जाता है एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, बींग इन पब्लिक स्पेस वेर देर आर मेनी अदर पीपल. अगोराफोबिया उसका उल्टा है, जहां बहुत ज्यादा लोग हैं वहां डर लग रहा है. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ज़ेनोफोबिया, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉरेनर्स का डर. एंड पैरानोया, फियर ऑफ अदर पीपल व्हेन देयर इज नो एविडेंस और रीजन फॉर दिस. वही लाइक पैराफोबिया नहीं है वो, पैरानोया होगा. ठीक है. केपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड इन टू और मोर सेंसेस, देयरफॉर नॉट डेफिनेट. कि इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं और हमें पता नहीं कि हम कौन सा मीनिंग बोलना चाह रहे हैं. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड वॉट? एम्बिग्यूस. एग्जैक्टली, समथिंग विच इज वेरी वेग. ये 2-3 दिन पहले हमने जो अनसीन पैसेज किया था उसमें आया था ना एम्बिग्यूस. तो मैंने बताया था वेगनेस, इसका एम्बिग्यूटी का मतलब था वेगनेस, और एम्बिग्यूस का मतलब हो जाएगा वेग. एम्फीबियस क्या होता है? एम्फीबियस, अरे यार एम्फीबियंस क्या होता है मुझे? फ्रॉग क्या है? क्यों है फ्रॉग एम्फीबियन? वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं. तो सी आंसर इज द करेक्ट वन. ओके, ऑलराइट. एम्बिग्यूस दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड. समथिंग विच इज वेग, ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर भी बहुत अच्छा वर्ड है, धुंधला है, ब्लर है, आपको नहीं पता क्या बोलना चाह रहे हैं. एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ए मॉर्फस, चलो मॉर्फस वाला मैंने डिस्कस नहीं किया था. नहीं, एमॉर्फस, मॉर्फ का मतलब ही होता है शेप. कोई पावर पॉइंट यूज करता है क्या? उसमें मॉर्फ ट्रांजिशन आता है, शेप बदल जाता है उसमें, तो दैट इज मॉर्फ. मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ज्योग्राफी में पढ़ा था बचपन में. मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं? उनका शेप चेंज होता है, हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दे कीप कूलिंग डाउन और दे कीप डेप्रिसिएटिंग. दैट इज मेटामॉर्फिक. तो मॉर्फ का मतलब होता है शेप, शेप चेंज करना. नेक्स्ट वी हैव कंफ्यूजिंग, अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सर्टेन. ये तो बताया हम लोग. मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस में होता है वो लावा से, फिर वही इग्नियस रॉक तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेटामॉर्फिक में बदल जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है, तो डेप्रिसिएट होता है ना. बताएं, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा. आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा, शुरू शुरू में प्रीफेस या प्रोलॉग होता है, लास्ट में एपिलॉग. मोनोलॉग का मैंने मतलब बता दिया था आपको, एक ही लंबा स्पीच जो चलता रहता है, दैट इज मोनोलॉग. और डायलॉग क्या होते हैं? दो जनों के बीच में, राइट, दो जनों के बीच में जो वर्ड एक्सचेंज हो रहा है वो, तो एपिलॉग इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, कूल, वेरी गुड. एपिलॉग, स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, स्पीच एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले. कॉन्वर्जेशंस और मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन. ऑलराइट. एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन इन ऑर्डर टू मेक मनी. बहुत इजी है, वेरी इजी. किसी को धोखा देना पैसा कमाने के लिए. एग्जैक्टली. क्या हो जाएगा? फ्रॉड. रॉबरी का मतलब क्या होता है? रॉबरी. ओके, ठीक है, चोरी, लूटपाट कर लेना, पिक पॉकेट, जेब कतरा जो होता है, और थेफ्ट इज चोरी. ठीक है, इसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, वी नो दिस थिंग्स.
अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, इसमें चारों में सेम वर्ड, तीन में सेम वर्ड है, पीडियट्रिशियन, पीडियट्रिशियन इज द डॉक्टर, इसमें आइट्रिया इज द वन ऑफ द कीवर्ड्स, आइट्रिया का मतलब होता है हीलिंग, ट्रीटमेंट, हीलिंग का मतलब आप समझते हो ना, वापस सही करना उसको, उसको बराबर करना, पेडागॉग, पेडागॉग में अगेन द कीवर्ड इज पीडोस, पीडोस का मतलब होता है चाइल्ड, और अगोगोज का मतलब होता है लीडर, तो लीडर ऑफ चाइल्ड इज अ टीचर, और ऐसा टीचर जो बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव करता है, जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहता है, मस्ती मजाक नहीं करता है, दैट सॉर्ट ऑफ, तो इसको यूजुअली नेगेटिव टर्म कंसिडर किया जाता है, पीडागॉग। वहीं से एक और वर्ड आता है डेमागॉग, तो डेमा मतलब क्या होता है पता है? अच्छा, डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ, रूल बाय पीपल, राइट, रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो डेमा मतलब हो जाएगा पीपल, तो डेमागॉग का मतलब क्या हो जाएगा, लीडर ऑफ द पीपल, तो ऐसा नेता, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो वाकई में सब्सटेंशियल नहीं है, जो वाकई में कुछ प्रूव नहीं कर सकता, जो वाकई में कोई काम या रिफॉर्मेशन नहीं कर सकता, बट बड़े बड़े वादे जरूर कर सकता है, अगेन अ नेगेटिव टर्म इज कॉल्ड डेमागॉग। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, राइट, पेडोफाइल, बच्चों से प्यार करने वाला, विच इज अ फेलनी, विच इज अ क्राइम इन इंडिया एंड इन सो मेनी अदर कंट्रीज, पेडोफाइल, पेडो मतलब मैंने बता दिया ना, फाइल, फाइल, फिलीन का मतलब क्या होता है, टू लव, राइट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, पेडागॉग इज अ टीचर, पेडेस्ट्रियन अ पर्सन वॉकिंग एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, पेडोफाइल अ पर्सन हु सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ चाइल्ड, टू चिल्ड्रन, ठीक है, वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। इजी था, विजन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर के बारे में हम कुछ देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर विजन। सीयर क्या होता है, अभी तो लाइक इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बट सीयर, किसी किसी को भविष्य का आभास हो जाता है कि भविष्य में ये घटना घटने वाली है, भविष्य देखने वाले को हम क्या बोलते हैं, सीयर। हैरी पॉटर देखी है, हैरी पॉटर में वो एक उनकी एस्ट्रोलॉजी की टीचर होती है सिबिल ट्रिलोनी, वो एक क्रिस्टल लेके उसमें देखती है और प्रोफेसी करती है, दैट प्रोफेसी इज डन बाय द सीयर। ड्रीमर तो सपने देखने वाला, अब वो सपने रियलाइज हो या ना हो वो अलग बात है, और आइडियलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, जो परफेक्ट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो बेस्ट है, तो आइडियलिस्ट मतलब ये होता है जिसको एकदम परफेक्ट काम में बिलीव होता है, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। ओरिजिनल एंड शोइंग द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद ग्रेट इमेजिनेशन। Dreamer is a person who has ideas. Seer is a person who claims that he can see what is going to happen in the future. Someone guided more by ideals than by practical consideration. जिसको perfection चाहिए, भले वो perfectly काम हो ना हो, practically possible हो ना हो. Give and receive mutually. ये तो बहुत easy है. Give and receive mutually. रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट, मैंने आपको कुछ हेल्प दिया एंड यू ऑल्सो हैव टू हेल्प मी व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन आई नीड योर हेल्प, दैट इज रेसिप्रोकेशन। ऑलराइट, सो टू बिहेव और फील टुवर्ड्स समबडी इन द सेम वे एज ही बिहेव्स और फील्स टुवर्ड्स यू, गिव इन रिटर्न, इसका और क्या हो सकता है सिनोनिम? इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने फॉलो किया, आपने फॉलो बैक किया, नाउ व्हाट यू बिकेम टू ईच अदर, What sort of friends? Mutual friends. Mutual. Exactly. That is your mutual. बाकी क्या था? Present. एक तो हमारा present tense, present time, और as a gift. Compromise, agreement made between two people or groups. Compromise में हमें कहीं ना कहीं adjustment करना पड़ता है. हम दोनों satisfy नहीं होते हैं.
अप्रूव अग्री कर देना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। एंड दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड का मतलब पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको चारों वर्ड्स के मतलब आने चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, तभी आप सही आंसर डिराइव कर सकते हो। चलिए आई विल ब्रिंग यू मोर सेशंस एंड थैंक यू वेरी मच।